स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है ये 10th क्लास का फिजिक्स है, जिसमें हमका पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे मेन मेन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश। यानी सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट क्या है। तो लाइट प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक फैक्टर है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी यहाँ से हमें एक बात पर चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहले हमारी आँखें और दूसरा प्रकाश। अगर इन दोनों में कोई भी एक अब्सेंट रहता है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास आँख है लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण कि रात में हम जब किसी वस्तु अंधेरे में देखते हैं हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा प्रकाश अब्सेंट होता है, यानी वहाँ पर लाइट नहीं होता है। इसके उल्टा अगर लाइट हो, अगर हमारे पास आँखें ना हो तो भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता है, पहले लाइट और दूसरा है हमारे पास आँख का होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के क्या क्या सोर्स हैं, लाइट कहाँ कहाँ से आता है। तो जो हमारा जो सोर्स है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत यानी नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स। इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं, यानी सोर्स कहते हैं। यानी जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उसे हम लोग प्रकाश का सोर्स कहेंगे। तो प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स। ठीक है, अब चलिए दोनों एक एक करके देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या है, नेचुरल सोर्स क्या है। तो नेचुरल सोर्स में सूर्य और तारे यानी सन और स्टार आते हैं, सन और स्टार। हम लोग देखते हैं कि सूर्य में क्या देखते हैं कि सूर्य हमेशा प्रकाश उत्पन्न करते रहता है हमेशा, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ, उसमें किसी मानव का हस्तक्षेप नहीं है। उसी प्रकार से तारे भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत यानी मैन मेड सोर्स। मैन मेड सोर्स क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि वह स्रोत जिसको मानव ने बनाया है। तो हम लोग क्या क्या बनाए, हम लोगों ने बिजली का बल्ब बनाया जिससे हम लोग प्रकाश उत्सर्जित होता, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो पहला हमारा हुआ कि बिजली का जलता बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, एक मिनट, बिजली का बल्ब, जलता मोमबत्ती, लालटेन, दिया, ये सब क्या है, ये सब हमारा प्रकाश का स्रोत है जिसे मानव ने बनाया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें कुछ कुछ नोट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लालटेन, लैंप आदि में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश के जितना भी सोर्स है वो क्या करता है कि वो अन्य प्रकार की जो ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरीके का ऊर्जा है, एक प्रकार का एनर्जी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बिजली का बल्ब क्या होता है, बिजली का बल्ब में हम लोग विद्युत ऊर्जा डालते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रहता है, जिसको बल्ब क्या करता है बदल के उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं जलता हुआ लालटेन में भी एक प्रकार का केमिकल एनर्जी होता है जिसको बदल कर लाइट में बदल देता है।